सुना तुमने महारानी के कही भरत वापस आ गया है। मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे अंक से लग जा मेरे लाल। मैं जानती थी मेरा बहादुर है मेरा लाल। किसी की सहायता नहीं लेगा, सभी दुष्टों का दमन कर देगा। तुझे कोई चोट तो नहीं आई? जो बात स्वयं माता को बोलनी चाहिए थी वो मैं पूछ रही हूँ तुमसे। तो ठीक तो है ना मेरे लाल? ठीक तो है ना मेरे लाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुत्र, कैसा है तू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? और ये बता कि हुआ क्या था? क्या हुआ था पुत्र? आपका पुत्र है महारानी, आप उसे पराजय से बात मत कीजिए, उसे अंक वार कीजिए, उसे गले से लगाइए, उसका चुम्बन लीजिए, उस पे मुद्राएं वारिए, आरती उतारिए, तभी तो उसको लगेगा कि वो अपनी माता के पास आया है। पुत्र भरत, तुम हमें पूरा वृतांत विस्तार से सुनाओ। पुत्र, मैं छत पर था पिताश्री, तभी वो मुझ पे झपटा। उस समय मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया, वो मुझे निरीह समझकर उल्टा रहा और मैं एक घने वन में उतरा पिताश्री। जब वो वहाँ उतरा उसी समय मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया कि यही उचित अवसर है इसकी हत्या करने का। बस मैंने बाण निकाला और उसका सर काट डाला पिताश्री, और वहाँ से लौट आया क्योंकि मेरा काल पूर्ण हो गया था पिताश्री, और राज भी सुरक्षित हो गया था। वाह पुत्र वाह, तुमने आज सूर्य कुल वंश का नाम उज्जवल कर दिया। पुत्र, इसकी वीरता देखते हुए भरत मम्मी तो मनानी ही चाहिए महाराज। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं महाराज? हाँ। कुछ नूतन नहीं होगा, जैसा होता आया है वैसा ही होगा। हाँ हाँ, वही होगा, परंतु कुछ परिवर्तन के साथ। परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? महारानी, इस बार केवल रामनवमी नहीं मनाया जाएगा अपितु भरत रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। पुत्र भरत, अब जाओ, जाकर विश्राम करो। रुक जाओ मारुति। पवन देव, आप और यहाँ सीमा पर? मुझे आना पड़ा मारुति। मेरी चिंता आपको खींच लाई ना? नहीं मारुति, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं, महाराज की आज्ञा से मैं यहाँ पर आया हूँ। राजा की आज्ञा? किस प्रकार की आज्ञा? तुम्हें बंदी बनाने की आज्ञा। मुझे और बंदी? हाँ मारुति, तुम्हें बंदी, मैं विवश हूं। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे बंदी बनाइए पवनदेव। आप तनिक भी दुखी मत होइए,
बस एक मेरा कार्य कर दीजिए, भरत को इनकी माता तक पहुंचा दीजिए। हाँ, पहुंचा दिया जाएगा। सैनिक, बंदी बना लो। इस दुष्ट को हमारे हवाले कर दीजिए। हाँ, ये अजीब हमें बहुत कष्ट दिया है, इसलिए इसका निर्णय महाराज नहीं जनता करेगी। इस दुष्ट पापी को जीवित नहीं छोड़ना है आज। हाँ भाई, इसने हम सबका जीवन संकट में डाल दिया है। इसके भय और उत्पात के कारण हमारे महाराज की शांति भंग हुई है, वो भी तब जब हमारे राज में हमारे भावी राजा श्रीराम का जन्मोत्सव है। ऐसे शुभ अवसर पर विघ्न उत्पन्न करने वाले को मार देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अब विलंब मत करो, इससे पहले कि ये मायावी कोई दूसरी माया रचे, इसे मार दो। रुक जाइए आप लोग, किसी भी जीव को मारना पाप है। किंतु इसके हत्या से कोई पाप नहीं लगेगा श्रीराम। इसने हम सबसे अधिक आप लोगों को कष्ट दिया है, महाराज को, आपको। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके भ्राता श्री भरत को उसने अपहरण कर लिया है। और इसलिए से हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आवेश में किया गया काम कभी फलदायी नहीं होता। मेरी आपसे विनती है कि आप इस निर्णय को कार्य रूप देने में शीघ्रता न करें। नहीं राजकुमार राम, हम आपकी बात से सहमत नहीं है। हमारे बीच में मत आइए आप, हमें अपना कार्य करने दीजिए। मेरे भ्राता श्री राम की बातों का जो उल्लंघन करेगा वो मेरे गांडीव का आहार बनेगा। मैं आप सबको एक क्षण में मृत्यु के घाट उतार दूंगा। इसीलिए आप वही करें जो आपको किया गया है। नहीं अनुज भरत, अपने विचारों को थोपना अनुचित है। भय के कारण मानी गई बात की आयु लंबी नहीं होती। वो मानना स्थायी नहीं होता। किंतु भ्राता श्री भरत, अनुज समझाने का तरीका क्रोध नहीं है। ऐसी भीड़ को समझाने का तरीका नीति है, न्याय का मार्ग है। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं कि इस जीव को दंड दिया जाए तो अवश्य दिया जाए, किंतु दंड व्यवस्था के अनुसार दिया जाएगा। न्याय के विधान को आप अपने हाथ में न ले, ये अनुचित है। न्याय करने के लिए महाराज है, उन्हें इस जीव का न्याय करने दे। यदि आप ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे, मैं इस राज्य को अभी इसी क्षण छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इस राज्य की प्रजा के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य स्वभाव नहीं कर सकता। श्री
ये कोई विचित्र जीव नहीं है, वो अंजन प्रदेश से आया है, हमारा मित्र है। इस राज्य का शुभचिंतक है, शत्रु नहीं। किंतु पुत्र, यदि ये बात थी तो ये बात हमसे गुप्त क्यों रखी गई? इसलिए क्योंकि ये राज्य के लिए एक नए रंग रूप का जीव था। यहाँ के लोगों ने कभी ऐसा जीव देखा ही नहीं था। यदि वे अचानक सबके सामने आ जाते तो लोग भयभीत हो जाते। ये बहुत ही प्यारा है, इसलिए आप उसे दंड देने का विचार त्याग कर दीजिए। पुत्र राम, इस जीव के विषय में तुम इतना कैसे जानते हो? क्योंकि वे हमारे मित्र है पिताश्री। ठीक है पुत्र, हम इसे बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। महाराज, उस जीव का न्याय कीजिए। महाराज, इस जीव का न्याय कीजिए। हाँ हाँ महाराज, उसकी मृत्यु चाहते हैं। न्याय होगा। उस जीव का न्याय होगा और अवश्य होगा। और आप लोग हमारे न्याय से निराश नहीं होंगे। किंतु ये न्याय आज नहीं होगा। तब कब होगा महाराज इसका न्याय? रामनवमी के पश्चात। और हमारी प्रार्थना है कि तब तक आप लोग शांत रहें। क्यों महाराज, न्याय इतने दिनों बाद क्यों? क्योंकि अतिथियों के सम्मुख ऐसा करना उचित नहीं रहेगा। इससे उन लोगों के बीच एक बुरा संकेत जाएगा, एक बुरा संदेश जाएगा। और वो लोग भयभीत होकर रामनवमी के उत्सव में सम्मिलित होंगे। और आप लोग जानते हैं कि उत्सव का अर्थ होता है आनंद। इसीलिए हमने उस जीव का न्याय रामनवमी के पश्चात करने का निर्णय लिया है। क्योंकि तब तक ये जीव राज्य के बंदी गृह में रहेगा, बंदी बनकर। सैनिक, ले जाओ जीव को और डाल दो बंदी गृह में। और अब आप लोग भी अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कीजिए। पुत्र राम, यदि यह जीव तुम्हारा मित्र है और तुमने इसे आमंत्रित किया है, तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पुत्र, जब तक बताता तब तक स्थितियां बहुत विषम और प्रतिकूल हो गई थी, इसलिए नहीं बता सका। और हनुमान को स्थिति का सामना करने में लगा दिया। हाँ पिताश्री, मुझे भी हनुमान ने ही मारिच के बंधन से मुक्त कराया है। यदि ये ना होते तो मैं यहाँ पर सुरक्षित कता भी नहीं आता। इस संकट हरने वाले जीव के विरुद्ध अब हम मृत्यु दंड का न्याय कैसे देंगे? अब हम संतुलित न्याय कैसे करेंगे? ये तो हमारे सम्मुख एक बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। आप चिंतित न हो पिताश्री, इस समस्या का हल इस उत्सव से पहले हो जाएगा। किंतु आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? कल मैं आपसे कुछ मांगूंगा जो आपको देना होगा।
ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी तुम हमसे मांगोगे हम तुम्हें दास देंगे।